हेलो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इनशॉट ऐप से सारी स्टेटस वीडियो कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इनशॉट ऐप को डाउनलोड कर लेना है। आपको इनशॉट ऐप प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। आप इनशॉट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं मैंने इनशॉट ऐप को पहले से ही डाउनलोड कर रखा है। डाउनलोड होने के बाद इसे ओपन करना है। इनशॉट ऐप ओपन करते ही गाइस, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है वीडियो वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको न्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस, यहां से आपके मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी। तो यहां से आपको उस फोटो के वॉलपेपर को सिलेक्ट करना है जिस पर भी आप वीडियो को बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर गाइस, हम इसमें एक वॉलपेपर को सिलेक्ट कर लेंगे। करते ही आपका वॉलपेपर इनशॉट ऐप में ऐड हो जाएगा। अब गाइस, आपको वॉलपेपर की लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इसकी लेयर को खींचकर थोड़ा सा बढ़ा देना है इस तरह से। अब गाइस, आपको एक ऑप्शन मिल रहा है फर्स्ट में कैनवास, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद गाइस, यहां से आपको साइज को सिलेक्ट करना है। तो यहां से हम 960 वाली साइज को सिलेक्ट कर लेंगे और इस लाइन को हम इस तरह से फुल कर देंगे, जूम कर लेंगे। इस तरह से हम वॉलपेपर को फुल जूम कर लेंगे। अब आपको राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से गाइस, आपको टेस्ट वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से आपको शायरी को लिखना है, जिस भी शायरी को आप लिखना चाहते हैं। तो शायरी को मैंने पहले से ही कॉपी कर रखा है, तो यहाँ पर हम उसको पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर गाइस, आपको एक फॉन्ट वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से आप जिस भी फॉन्ट को इसमें सिलेक्ट करना चाहते हैं, आप उसको कर सकते हैं। तो यहाँ से गाइस, हम इस वाले फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ से गाइस, आपको एक और ऑप्शन मिला है कलर वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से आप इसमें जो भी कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं, आप उसको कर सकते हैं। इस तरह से आप इस शायरी का कलर को चेंज कर सकते हैं। तो हम इसमें वाइट कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। अब आपको राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने का तो यहाँ पर गाइस, आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। बॉर्डर वाला ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर क्लिक करके आप इस तरह से शायरी को सेट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर एक साड़ो वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने का तो यहाँ से आप इसमें इस तरह से इसको सेट कर सकते हैं, अच्छे से अपने हिसाब से आप शायरी को सेट कर सकते हैं। यहाँ से गाइस, आपको एक और ऑप्शन मिला है लेवल, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने का तो यहाँ से गाइस, आपको बैकग्राउंड को इसमें लगा देना है। जिस भी बैकग्राउंड को आप लगाना चाहते हैं, यहाँ पर आप उसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसमें रेड बैकग्राउंड को यहाँ पर लगा देंगे। अब आपको राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इस तरह से गाइस, आपको फर्स्ट लाइन को इस तरह से सेट करना है। तो हम अच्छे से इसको सेट करके लगा देंगे इस तरह से। अब गाइस, आपको टेस्ट वाली लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने का तो इसकी लेयर को खींचकर वॉलपेपर की लेयर के बराबर कर देना है। अब गाइस, आपको राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। गाइस, आपको फिर से टेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद फिर से टेस्ट वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको शायरी की सेकेंड लाइन को यहाँ पर लिखना है। तो सेकेंड लाइन को पहले हम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। इस तरह से हम सेकंड लाइन को कॉपी कर लेंगे। अब यहाँ पर गाइस, हम सेकंड लाइन को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। यहाँ से गाइस, आपको राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इसी तरह से गाइस, आपको शायरी को सेट कर लेना है। तो चलिए, हम सभी शायरी की लाइनों को अच्छे सेट कर लेते हैं। गाइस, आप देख सकते हैं मैंने सभी शायरी की लाइन को यहाँ पर लिख लिया है। अब गाइस, आपको वीडियो के नीचे एक इनशॉट ऐप का बॉर्डर मार्क मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको इस वाटर मार्क को रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए आपको एक ऑप्शन मिल रहा है नीचे, फ्री रिमूव, इस पर आपको क्लिक करना है। तो गाइस, आप देख सकते हैं वीडियो से वाटर मार्क रिमूव हो चुका है। इस तरह से आपको वाटर मार्क को रिमूव करना है। अब यहाँ पर गाइस, आपको इस समय साउंड को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए आपको म्यूजिक वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस, आप किसी भी वीडियो का साउंड निकाल कर इसमें लगा सकते हैं। तो आपको एक ऑप्शन मिल रहा है एस्ट्रिक ऑडियो फ्रॉम वीडियो, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपके सामने वीडियो आ जाएंगे। जिस भी वीडियो का आप साउंड निकाल कर लगाना चाहते हैं, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो का हम साउंड निकाल कर अपनी वीडियो में लगाएंगे। तो आपको राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस, आप देख सकते हैं हमारा साउंड है जो वीडियो में लग चुका है। अब आपको राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो गाइस, आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कुछ इस तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। तो गाइस, आप देख सकते हैं हमारी वीडियो में यहाँ पर साउंड लग चुका है। अब आपको वॉलपेपर के लिए क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको फिल्टर वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर गाइस, आपको फर्स्ट में इफेक्ट वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है।
क्लिक होने का तो यहाँ पर आपको बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। आप जिस भी इफेक्ट को यहाँ पर लगाना चाहते हैं शायरी में उसको लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे अच्छे इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर गाइस हम किसी भी इफेक्ट को यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करेंगे, आप इसमें से देखकर किसी भी इफेक्ट को लगा सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। तो यहाँ से गाइस आप देख सकते हैं आपको और भी ऑप्शन मिल रहा है फिल्टर वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने का तो यहाँ से आप जिस भी फिल्टर को वॉलपेपर में लगाना चाहते हैं आप उसको लगा सकते हैं। इस तरह से आप इसमें फिल्टर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस हम इस फिल्टर को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अब आपको राइट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारे वीडियो में फिल्टर भी लग चुका है। अब यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। स्टिकर वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टिकर देखने को मिल जाते हैं। जिस भी स्टिकर को आप वीडियो में लगाना चाहते हैं आप उसको लगा सकते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कितनी अमेजिंग तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब गाइस हम इस वीडियो को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है सेव वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको यहाँ से क्वालिटी को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से हम 1080p की क्वालिटी में इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए आपको फिर से सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस आपकी वीडियो डाउनलोड होने लगी। तो दोस्तों आप इसी तरह से इनशॉट ऐप से सारी स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। गाइस अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।